जमीन से छोड़ दिली और तू केला कथी लू खाड़ दिली केला उहे भले तोरा रास्ता देने रहियो न चुप केला उहे बात पर उखड़ ले एने तेने उखड़ ले हम तोरा मिलियन रास्ता की करबे घर पर दोनों भाई को हम बाबा की बोललखिन हमरा वो रिकॉर्डिंग करके तोरा हम सुनाई दे ने बोलियो आ सुनो न पहिने इनकार बाद रिकॉर्डिंग के लिए जबकि तो गाड़ी से हम पैदल ले देखबे न के लिए हम दुआर पर एलिए दुआर पर एलिए तब हम कहलिए जे ढाट गाय दे बिहार के बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के रहने वाले बैजनाथ सिंह के जमीन को बगल के दबंग परिवार ने कब्जा कर लिया और बैजनाथ सिंह के बेटे सौरभ कुमार के साथ मारपीट किया। जब हमारे संवाददाता मुख्तियारपुर वार्ड नंबर 11 के परिजन से बात किए तो परिजन ने बताया कि यह जो जमीन है इस जमीन को ठेके के रूप में राम उदय सिंह लिए थे और बोले थे कि 500 रुपये महीना देंगे और ना अब रुपये देते हैं और ना ही जमीन देने को तैयार हैं और कहने पर मारपीट करते हैं। इसको लेकर भगवानपुर थाने में भी आवेदन दे चुके हैं बैजनाथ सिंह, लेकिन अभी तक प्रशासन का भी निष्क्रियता नहीं देखी गई है। और क्या कुछ कहा यहाँ के पीड़िता और परिजन ने, देखे इस पूरी रिपोर्ट में। क्या मैटर है? हमको हमारे साथ मारपीट किया है। क्यों मारपीट किया गया? हमारा जमीन था, वो जमीन पर हम अपना ढाट उठ घेर कर केला लगाए हुए थे, वो काट दिया और फिर हम लोग हम थे नहीं, हम मार्केट गए हुए थे। मार्केट से आए तो हमको पता भी नहीं था कि केला काट दिया है और ढाट उठ तोड़ दिया है। आए थे का एक दो लड़का था, ये ललन सिंह का लड़का और ये रामशंकर सिंह का लड़का श्यामलाल और ललन सिंह का लड़का राजा बाबू, ये दोनों मिलकर हमारे साथ मारपीट किया है, पूरा ही मार मार कर सजा दिया है। अच्छा, कब से ये विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा है करीब 4-5 साल से। 5 साल से। तो इस विवाद को लेकर के आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ किस किस का दरवाजा खटखटाया? हम थाना में गए थे, वहाँ पर आवेदन हमारे पापा जा कर दिए। हमको चोट बहुत ज्यादा लगा हुआ था, हम काफी लालिन थे इसलिए हम जा नहीं पाए। जाकर टाके पापा आवेदन दिए हुए हैं, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं आया है। अच्छा, कब आवेदन दिया? 3 तारीख को, इसी 3 तारीख को आवेदन दिए। तो आप लोग का क्या सोच है, क्या थिंकिंग है? हमारा यही सोच है कि हमारा जो जमीन है हमको मतलब कि वो जमीन दिया दिलवा दिया जाए, हक जहाँ पर हमारा वाजिब जमीन बनता है, हमारा जो जमीन है वो हमको जमीन पकड़ा दिया जाए और आइंदा हमारे साथ ऐसा मार्केट नहीं किया। क्या नाम हुआ, कहाँ का ये मामला है? वार्ड नंबर 11। जमीन पर जो बार बार विवाद चल रहा है आप लोग का, किनका जमीन है ये? आप ही का जमीन है? जमीन हमारा है। अच्छा, कब खरीदे थे या फिर आपका पुश्तैनी जमीन है? खतियानी जमीन है। खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन है। अच्छा, इसमें इस जमीन में पश्चिम से 10 धूर बदले कर दिए हैं निज फरीज को एवं प्रजा सिंह को और पूर्व से वो जो दखल कर रहा है उसको 7 धूर जमीन हम दखल। अच्छा, वो तो जो दखल कर रहे हैं वो कौन है, क्या नाम है उनका? राम उदय सिंह नाम है, उसका लड़का ललन सिंह है। अच्छा, इस हमको कुत्ता काट लिया था, इसको जो है तो इसमें ढाट लगा हुआ था, केला रोपा हुआ था, वो केला काट करके ढाट को क्षतिग्रस्त करके और अनाप शनाप गाली गलौज करके यहाँ से चला गया। हमारा धियापुता यहाँ नहीं था, जब हमारा सौरभ आया वहाँ इसको पकड़ कर बांस के बीच पर बजरंग बजरी किया, उसको बहुत मार मारा वो ललन सिंह उसका लड़का राजा बाबू। अच्छा, आपका ये जमीन है, ये कितना जमीन है? ये जमीन है कितना जमीन है ये? जमीन टोटल 1 कट्ठा 16.5 धूर था, इसमें से 10 धूर हम बदले कर चुके राम प्रकाश सिंह के, 7.5 धूर उसको बदले कर दिए हैं कैलाश सिंह के, उसके राम उदय सिंह का भाई है उसको बदले कर दिए और उसके बाद हमको 1 कट्ठा 1 धूर जमीन और वहाँ बचा हुआ है, इसका चौहद्दी है पश्चिम भट्टू सिंह, पूरब कैलाश सिंह, उत्तर विनोद सिंह और दक्षिण हमारा नीज। क्या चाहते हैं आप? पश्चिम आप क्या चाहते हैं उस जमीन को लेकर के? जमीन है वो जो हम चाहते हैं, हमारा डी का जमीन है, बासगढ़ जमीन है, धियापुता दो बच्चा है
चार को पोता है तो उसको अपना बासगर जमीन में ना रहेगा इकट्ठा, आदमी तो परिवार बस सकता है, इसीलिए बासगर जमीन है उसमें हम अपना रखी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बजनाथ सिंह है। कहाँ घर पड़ता है? मुख्तियारपुर, ग्राम पंचायत मुख्तियारपुर, थाना भगवानपुर। प्रशासन को क्या आवेदन दिए हैं इस बात का? हाँ। मारपीट हुआ आपके साथ, जो चल रहा है खींचा तानी चल रहा है, इसका आवेदन दिए हैं आप? हाँ, प्रशासन को आवेदन दिए। अच्छा, प्रशासन को जब आवेदन दिए तो क्या क्या आवेदन में लिखकर क्या दिए थे? आवेदन में लिख के दिए, जो हमारा भाई यहाँ पे अकेला था और उसके साथ मारपीट किया गया, उससे आके ढाट उठे वहाँ पे लगा रखे थे, वो ढाट काट दिया गया और उसे केला का पेड़ था, केला का पेड़ भी काट दिया गया। और आवेदन में हम पंचों के द्वारा जो फाइनल जो जमीन का जो फील्ड बुक बना हुआ है वो भी दिए, इस जमीन के बदले, इस जमीन पे जो है सो सर विवादित वो कर रहा है, वो फील्ड बुक दे के और उसके बाद हम लगाएं कि अपने स्तर से डंडा दिखा लीजिए, अपना निर्णय इस पे लें और हमारा जमीन हमें दिलवाएं। किनको आवेदन दिए थे आप? हमने आवेदन ही ये थाना प्रभारी को दिया। क्या बोले वो? बोले थे ठीक है, हम आके इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई आज तक सर, देखने के लिए भी कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं आया? कोई भी स्पॉट पे क्या हुआ कोई ये भी देखने के लिए नहीं आया कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। बराबर ये लोग क्या करते हैं, खेत में अगर जो कोई हमारा लड़का है या कोई अगर घास काटने के लिए जाते हैं तो चारों पाँचों मिल के घेर लेते हैं, घेर के कहते हैं कि वो जमीन हमें दिलवा दो नहीं तो हम मार देंगे जान से। जान से मारने की धमकी भी आती रहती है? हाँ, जान से मारने की धमकी भी आती है। अच्छा, जो आपको धमकी दे रहे हैं वो कौन है? वो एक राम शंकर सिंह का लड़का ये है श्यामलाल, और एक ललन सिंह का लड़का है राजा बाबू। अच्छा, आपका भी पक्षी है यही लोग? हाँ, और एक कैलाश सिंह का लड़का है ये छोटे सिंह, और ललन सिंह, और उनका बाबा है रामोदय सिंह। क्या वरीय पदाधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से क्या गुहार, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि उचित कार्रवाई किया जाए और हमारा जो जमीन है वो हमें दिलवाया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संगम कुमार सिंह। आप कौन लगते हैं? हमारे पापा बैजनाथ सिंह हुए और सौरभ सिंह के साथ जिसके साथ घटना हुआ है वो उसका हम बड़ा भाई। जिस समय ये घटना हुआ था उस समय यहाँ पर आप मौजूद नहीं थे? नहीं, उस समय हम बेगूसराय से आ रहे थे, थाना प्रभारी उसी समय हमें वहाँ पे मिला था, हमारी एक दुकान है वहाँ पे, उनको लेके आए, लेके आने के बाद वो थाना प्रभारी भी थे उसके साथ घटना, उनके सामने में सर मारपीट हो रहा था, वो आए और उसको लेके गए, वो दारू के नशा में ये राजा बाबू और ये श्यामलाल सर था, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, उसे पकड़ के भी नहीं ले गए और ये सब घटना हुआ। गाँव के परिजन हैं, इनके परिजन हैं लोग। अच्छा, क्या मैटर है, क्यों विवाद ये बार बार होते? जमीन को इधर से हिस्सा पड़ता था, वही हिस्सा पहले ठेका बटैया कहकर दो साल चार साल देता, उसके बाद ये अपना जमीन लेकर उसमें चला रही। अच्छा, चला रही है तब अपना चला चला उठाता है, इन्हें से हम ही जमीन ले, इनको साथ मारपीट करने लगा था, हम वहाँ पहुँचे तो इनको छोड़ाई दिए मारपीट। अच्छा, आप गांव के परिजन हैं तो आप दोनों में क्यों थी, उनका क्या थिंकिंग है, उनका क्या सोच है और इनका क्या सोच है, दोनों को जानते होंगे, क्या वो क्या चाहते हैं विपक्षी? चाहते हैं बाप जबरदस्ती इसको जमीन ले लें जबरन। अच्छा, वो जमीन जो है अभी किसके कब्जा में है? अभी तो कब्जा में तो बैजना से माल जाल वहाँ पे रखते। अच्छा, इसका कोई हुआ था कुछ खंडन या इसका अमीन आकर के इसका नाप जो किया था? इसका? हाँ, इसका नाप की एक बार की 200 बार हुआ। अच्छा, नए परिवार। अच्छा, आप लोग जब छुड़ाने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं उसमें, क्या उनका क्या अधिक रहता है? उनका क्या वही रहता है कि बलगर बैंक जबरन सामाजिक, और ये क्या चाहते हैं, और ये जो है पक्षधर जो है बैजनाथ सिंह, उनका क्या ये चाहते हैं? जो वो अपना हिस्सा पर है, हम अपना हिस्सा पर जबरन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ?
आप क्या है? परिजन भाई लगते हैं। इन लोगों के साथ में बार बार जो एक इजातानी हो रहा है, कभी आता है जमीन को लेकर, कभी मारपीट हो रहा है, आखिर क्या मामला क्या है? आप परिजन है ना, गांव के लोग हैं, आखिर क्या मामला है जरा खुल के बताइए। हाँ। जमीन है बजना सिंह का। अच्छा। और जबरदस्ती करते हैं हम अपना, पहले तो ठिका लिए, ठिका लेने के बाद ठिका दिए, ठिका दिए, ठिका दिए, उसके बाद पैसा नहीं दिया अपना ठिका के लगे। अब कहता है हम छोड़बे नहीं करेंगे। अच्छा, वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। अच्छा, यही बात सुझाव। अच्छा, मारपीट भी होता है इसके लिए? हाँ, मारपीट तो हुआ था, मारो हल्का में मारपीट हल्का कर लिया। हाँ, हल्का। अच्छा, प्रशासन आता है कि नहीं? नहीं, प्रशासन काम करते हैं। हेवे नहीं किया है? क्या नाम है आपका? परिजन है आप? हाँ। कहाँ का ये मामला है? मैटर ये कहाँ का है? मुख्तियारपुर का। हाँ, मुख्तियारपुर। कब से ऐसा मैटर चल रहा है? ये चले थे दो महीने, दो तीन महीने। हाँ, आखिर वाजी सही में जमीन वास्तविक किन का जमीन? वो जबरदस्ती कर रहे हैं, उनका क्या नाम है?